राजस्थान के अलवर में एक शख्स ने घरेलू विवाद में अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसके शव के कई टुकड़े कर इधर उधर फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने एक शख्स को अपनी ही प्रेमिका के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार किया है। लड़की आरोपी के कहने पर घर के पैसे और गहने लेकर फरार हो गई थी। आरोपी ने सारा सामान लेकर लड़की की हत्या कर दी। यूपी के कानपुर में घर से बाहर निकली एक महिला का शव खेत में मिला। महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन कर रही है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक युवक को मलेशिया में अगवा कर लिया गया है और वहां से परिवार वालों को फिरौती के लिए फोन आ रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि नेवी में नौकरी के नाम पर उनके बेटे को मलेशिया भेजा गया था। राजस्थान के जयपुर पुलिस ने ठगी के आरोप में दिल्ली एयरपोर्ट से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिता पुत्र और मां पर 3 करोड़ की ठगी का आरोप है और वो विदेश भागने की फिराक में थे। मध्य प्रदेश के व्यापक घोटाले के सिलसिले में सीबीआई की टीम ने भोपाल के चिरायू मेडिकल कॉलेज में छापा मारा। करीब आधा दर्जन अधिकारियों की टीम ने इस दौरान कॉलेज के दस्तावेज देखे और स्टाफ से पूछताछ की। यूपी के बागपत में पिछले महीने हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के मुताबिक युवक की हत्या लेनदेन के विवाद में की गई थी। पुलिस अभी 2 फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस ने नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी लड़की का पड़ोसी है जिसने मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग के साथ रेप किया। यूपी के सोनभद्र में बदमाशों ने एक व्यापारी से 50,000 रुपए लूट लिए। 4 बदमाशों ने देर रात व्यापारी के घर पर धावा बोला और तमंचा दिखाकर लूटपाट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के दमोह में प्रेम प्रसंग में युवक पर एसिड अटैक कर गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया गया। पीड़ित की रिपोर्ट के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।